इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन के परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें पता है। और अरुणिता कांचीलाल का जो लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, उस प्रोमो के थ्रू आप सभी दर्शकों को पता चल चुका है कि अरुणिता कांचीलाल कितने शानदार परफॉर्मेंस करने वाली हैं आने वाले एपिसोड में। अरुणिता कांचीलाल बैक टू बैक दो गाने परफॉर्म करने वाली हैं कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के सामने। एक गाना है देवदास फिल्म का और उस गाने के बोल हैं, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, और दूसरा है हम दिल दे चुके सनम। इस गाने का टाइटल ट्रैक जो है गाने वाली हैं अरुणिता कांचीलाल। अरुणिता कांचीलाल के गाने को सुनकर पवनदीप राजन काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। पवनदीप राजन भावुक होने के साथ साथ पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की मम्मी को कॉल करते हैं। किस वजह से कॉल करते हैं, आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि अरुणिता कांचीलाल की माँ बीते कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थे अरुणिता कांचीलाल का परफॉर्मेंस, क्योंकि अरुणिता कांचीलाल परफॉर्म तो कर रही थी लेकिन उनको उस तरह से लाइमलाइट नहीं मिल रही थी जिस तरह से उन्हें मिलना चाहिए था। अरुणिता कांचीलाल की माँ जो हैं इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा नाराज थी पवनदीप राजन से। अब पवनदीप राजन ने इसी के चलते अरुणिता कांचीलाल की माँ से ना सिर्फ बात किया फ़ोन में, बल्कि उन्हें समझाया भी और कहा भी कि अरुणिता आपकी बेटी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडियन आइडल सीजन 12 के स्टेज पर, और उन्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एक फाइटर है, वो एक फाइटर है, उन्हें फाइट करना अच्छी तरह से पता है और फाइट करके किस तरह से आगे बढ़ा जाता है ये बात उन्हें पता है। तभी तो वो बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस दिए जा रही है, सभी कंटेस्टेंट से आगे निकल चुकी है और कई दिनों से वो नंबर वन की पोजीशन पर बरकरार है और आने वाले एपिसोड में भी नंबर वन की पोजीशन पर ही बरकरार रहेगी। ऐसे बोलते हुए दिखाई दिए पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की माँ को, ना सिर्फ समझाया बल्कि इमोशनली सपोर्ट भी दिया अरुणिता कांचीलाल की माँ को, और साथ ही साथ वो बहुत सारा प्यार भी देते हुए दिखाई दिए अरुणिता कांचीलाल के परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद। वेल दोस्तों, ये बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो निकलकर सामने आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। और आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल तो बैक टू बैक बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगी, पवनदीप राजन भी किसी से कम नहीं है, पवनदीप राजन भी शानदार परफॉर्मेंस देंगे कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के स्पेशल एपिसोड में। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।